गुड इवनिंग, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड यस, मैं लेट होने का भी मैं लेट हूँ क्योंकि आज डेट है 6 जनवरी एंड मैंने अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि मैंने यार वीडियो शूट करना क्या, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कैमरा क्या मतलब फ़ोन भी उठाने की, क्योंकि सीन मेरे साथ में ये था मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा भयंकर वाली ख़राब हो रखी थी कि यार मैं बस छोड़ दो। मैं लिटरली मैं पिछले 6 दिन से 4-5 दिनों से मैं बेड से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी मेरी। बट और इसी कंडीशन में मैंने कल का एग्ज़ाम भी दिया जा करके, मेरे प्रैक्टिकल्स भी हो रहे थे वो भी दिए। कल के एग्ज़ाम की अगर मैं बात बताऊँगा तो लिटरली मैं आप लोग मतलब सोचोगे कि भाई साहब कैसे दे दिया। लिटरली मैं बीच एग्ज़ाम में मैं बेहोश हो गया था, मैं 45 मिनट्स के लिए मैंने बस मैं लेट गया था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं जबकि आते हुए मेरे मतलब 7-7 मार्क्स के मेरे आते हुए यार 4 से 5 क्वेश्चन मेरे छूटे हैं, तो समझ लो कि कैसा एग्जाम हुआ होगा मेरा। सो इसी के साथ मैं वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो टुडे इज मंडे एंड 6th of January। सो आज की वीडियो में मुझे आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, कुछ जरूरी बात करनी है जो बैठ के बात करते हैं। ओके सो पहली तो मुझे जो बात करनी है वो मैंने कल एक ऐसी रैंडम वीडियो देख ली थी, वो मतलब ऐसी यूट्यूब के जो फीड पे आ जाती है ना कोई भी रैंडम वीडियो, तो वो आई थी, उस वीडियो का नाम बताता हूँ, वो वीडियो जाकर के एक बार जरूर देखना आप लोग। वीडियो का नाम है असली मर्द चैप्टर 3 फीचरिंग रफ्तार एंड आशीष चंचलानी। इस वीडियो को जाकर के एक बार जरूर देखो, मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्पेशली फॉर वॉइस, ये वीडियो एक बार जरूर देखो जाकर के, ठीक है। एंड यस, ये वीडियो मैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये हालात देखे हैं, क्योंकि जब मैं पीजी में रहता था, क्योंकि फिलहाल तो मैं पीजी में नहीं रहता हूँ, जब मैं पीजी में रहता तो पॉर्न के क्या लत होती है मैंने देखा है लड़कों को, मैंने देखा है लोगों को उसके अंदर मतलब घुसते हुए कि पॉर्न की क्या लत होती है। लोगों के लैपटॉप भरे होते हैं, पूरे पूरे पूरी पूरी हार्ड डिस्क उनकी भरी होती है पॉर्न से, ठीक है। आई नो तुम में से कई सारे लोग कमेंट भी करोगे, उल्टी सीधी बात भी बोलोगे मुझे, बट कोई बात नहीं, जो मेरा काम है वो मेरा काम है, वो मैं मेरा काम है बताना, मैं आप लोगों को बता के रहूँगा। सो सिंपल सी चीज़ है, इस वीडियो में जो पॉर्नोग्राफी है एंड ऑल वो सारी चीज़ों के लिए अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि रेप का कहीं ना कहीं पॉर्नोग्राफी भी एक रीज़न है रेप होने की वजह से। एज पर दी सर्वे, जो भी रेपिस्ट होते हैं, जो भी जिनके भी जेल में जाकर के जिनकी भी जो सर्वे हुए इंटरव्यूज हैं उनके बेसिस पर पॉर्नोग्राफी एक है रीज़न। और वो रीज़न अगर आपको जानना है कि डिटेल में, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को एक बार आप लोग देखें जाकर के, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम नेक्स्ट बात पे पहुँचते हैं, दैट इज इंडिया क्या हो गया है, क्या हो गया है आप लोगों को। चलो ठीक है, आप लोग अगर बोलते हो तो मैं मान लेता हूँ कि जो यहाँ पे आपका जामिया यूनिवर्सिटी थी एंड AMU, जो भी अदर जगहों पे जहाँ पे भी दंगे हो रहे थे वो सारी चीज़ें हो रही थी, वो CAB और NRC के अगेंस्ट हो रहे थे और वो लोग मतलब गलत कर रहे थे, तो उस वजह से दंगे हुए, बात हो गई, कोई बात नहीं, वो चीज़ ख़त्म हो गई। भाई कल JNU में क्या हुआ, JNU के तो स्टूडेंट नहीं कर रहे थे, JNU के तो स्टूडेंट नहीं गए थे कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे कहीं भी, वहाँ पर कौन गया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि BJP वालों ने जो है अपने लड़के अपने गुंडों को भेज करके अंदर मारपीट करवाई, और वही सेम चीज़ BJP वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले अंदर भेज करके लड़कों को और ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन केवल एक ही है कि यार पॉलिटिक्स के नाम पर कितना, आखिरकार कितना करोगे। आई हैव नो आइडिया कि ये बंदे कांग्रेस के थे, समाजवादी पार्टी के थे, BSP के थे, BJP के थे, या मतलब वॉट एवर पार्टी, जो भी पार्टी एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर उसके थे, किसी के भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी क्या करती है, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट प्लीज़ मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है यार, आप लोग जो है पता नहीं जो भी है, जो भी हो आप लोग, जो भी हो, चाहे BJP से हो, चाहे आप कांग्रेस से हो, चाहे किसी अदर पार्टी से हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, यार सारी चीज़ों से ऊपर ना इंसानियत आती है, एक चीज़ इंसानियत नाम की चीज़ आती है, प्लीज़ 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 उसको मेंटेन करके रख लो। बहुत अंधेरे में जा चुका है देश, बहुत ज़्यादा गड्ढे में जा चुका है ऑलरेडी, और कितना यार गड्ढे में यार डालोगे, हाँ कितना, आखिरकार क्यों, अब बताओ ना आखिरकार क्यों। जो स्टूडेंट्स, जो टीचर्स, इवन स्टूडेंट्स और टीचर्स के ऊपर भी लाठियां चार्ज की हैं, डंडे, और आई डोंट नो, मैंने सोशल मीडिया का मैंने ऐसे न्यूज़ पर जैसे देखा था, तो उसमें दिखा रहे थे कि तेजाब लेकर के
एसिड लेकर के गए हैं, जो जो लोग उन वो जो नकाब पहन के जो लोग गए थे उन लोगों के हाथ में एसिड थे, अगर जो लोग उनको अगर रोक रहे थे तो उनके ऊपर एसिड फेंक रहे थे, आखिरकार क्यों? मेरा केवल एक ही क्वेश्चन है, तुम में से कोई भी हो सकता है इंसान, ठीक है, उन नकाबपोश लोगों में, ठीक है, आई हैव नो आइडिया कौन है, तो मेरा केवल एक ही क्वेश्चन है, अगर कोई पेरेंट्स अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे जो हैं इस दहशत वाली जगह पर पढ़ें, या फिर आपके बच्चे जो हैं ऐसी ऐसी हरकतें करें, क्या आप चाहोगे? नहीं चाहते हो ना? या फिर अगर आप पेरेंट्स नहीं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो मैं पूछता हूँ भाई, एक बात बताओ भाई और भाई बहनों, मैं एक बात बताओ, क्या आप लोग चाहोगे कि ऐसा कुछ हो? क्या आप लोग चाहोगे कि कोई एक सो कॉल्ड पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, ठीक है, किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी या फिर किसी एक पार्टी के बंदे की बात मान के, या फिर किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के आप कुछ भी गलत करते हो, क्या ये इंसानियत के लिए सही है? क्या अगर हम लास्ट का, अगर हम एक महीना देखें इंडिया, क्या आप लोग आप प्राउडली कह सकते हो कि लास्ट का जो एक महीना जो इंडिया के अंदर जो बीता है, दिसंबर दिसंबर और जनवरी, जो आज 6th of January है, एक महीना जो दिसंबर का जो बीता है और जनवरी के जो 6 दिन बीतते हैं, ये शांतिपूर्वक या फिर कोई भी एक अच्छा दिन गया इनमें? कोई भी एक अच्छा दिन, आई नो बेसिक, चाहे हमारे पर्सनली पर्सनल लाइफ में चाहे कुछ ना हुआ हो, बट एज अ होल नेशन कुछ अच्छा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? सो प्लीज़ इंडिया, बहुत बहुत ज़्यादा नाजुक जगह पर हम खड़े हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक टाइम पर हम खड़े हुए हैं। मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत सारे अपने अपने दोस्तों को देखा है, कोई कोई दोस्त बीजेपी के सपोर्ट में कोई पोस्ट कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहा है मैसेजेस, कोई कांग्रेस के सपोर्ट में कर रहा है, कोई किसी चीज़ के सपोर्ट में कर रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट कर रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट कर रहा है। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, जब तक आप वहाँ पर नहीं हो, जब तक आपको रियलिटी नहीं पता है, प्लीज़ 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 ऐसी चीज़ें ना सेंड की जाए, ऐसी चीज़ें मत स्प्रेड करो, क्योंकि पता क्या होता है, अगर मान लो अभी अगर मैंने किसी एक को अगर मैंने मैसेज भेजा, वो बंदा किसी और दो को, चार को, आठ को मैसेज भेजेगा, वह आगे के 8 बंदे और किसी को भेजेंगे, एक गलत अफवाह पूरे देश में आग लगा सकती है, और फिर पूरे देश में आग लगने पे, भाई देश तो हमारा ही है ना, घर अभी हमारा देश में ही है, तो आग तो हमारे घर में भी लग सकती है ना, चांसेस तो है ना, बेसिक नहीं लगेगी ना लगे, मैं हाथ जोड़ के मैं ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करूंगा कि किसी के भी घर में और किसी के भी आग ना लगे, बट चांसेस तो है ना, तो क्यों ना इन चीज़ों को एक बार यार हम लोग बैठ करके समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं, या बजाय इसके कि हम जो है ये सारी की सारी वीडियोस की कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या, ये सारी चीज़ें हम स्प्रेड करने के बजाय हम कुछ सॉल्यूशन इसका हम कुछ सोच सोच के हम उसको हम स्प्रेड कर सकें, उसके लिए हम कुछ हम कर सकें, कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि NRC एंड CAB इन सारे बिल्स के खिलाफ जो है ना, कि सबने प्रोटेस्ट किया है, कुछ ने इनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया, कुछ जो भी चीज़ें, क्या हम बैठ कर इनके अगेंस्ट और इनके साथ में खड़े होकर हम प्रोटेस्ट करने के बजाय इसका कोई अल्टरनेट, कोई और सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते? किसी दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने के बजाय कोई हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते? आप खुद सोचो ना एक बार। आई नो मैं भी आप लोगों की एज का ही हूँ, मेरी भी एज 22-23 है, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं, 22-23 एज का ही हूँ, बट क्या हमारा हमारे संस्कार या फिर हमारी पढ़ाई या फिर हमारा जो भी चीज़ है, जो चाहे वो मज़हब के हिसाब से लो, चाहे कोई भी चीज़ ले लो, चाहे वो मुस्लिम मज़हब हो, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिख हो, बुद्धिज़्म हो, एनी वन रिलीजन, कभी हमें ये सिखाता है कि हम जो है दंगे फसाद करें या फिर ये चीज़ें करें वो चीज़ें करें? नहीं सिखाता है ना। हाँ ये ज़रूर सिखाता है कि कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसका हम अल्टरनेट निकाल करके उसका कुछ हम सॉल्यूशन निकाल लें, ये चीज़ तो हमें सिखाता है ना। मैं केवल यही चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की बजाय आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग अगर सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो सॉल्यूशन आप लोग निकालिए, सॉल्यूशन को स्प्रेड करो, कि ऐसा ना हो कि अरे ये बीजेपी ख़राब है, बीजेपी को भगा दो तो ये हो जाएगा, या फिर ये कांग्रेस ख़राब है, कांग्रेस को भगा दो ये हो जाएगा, या फिर ये मुस्लिम ख़राब है, मुस्लिम को देश से निकाल दो ये हो जाएगा, या फिर ये हिंदू ख़राब है, हिंदू को देश से निकाल दो ये हो जाएगा। इनसे कुछ नहीं होने वाला भाई, 2-4 दिन, पता है
जो लोग ऐसी ऐसी चीज़ जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ना, जो लोग ये कर रहे होते हैं एग्जैक्टली, जो लोग इनके पीछे जिनका मोटो होता है, वो लोग अपने ही घर में वो लोग बैठ करके अपने अय्याशी से आराम से मस्त सिक्योरिटी के साथ में बैठे होते हैं। मर कौन रहा होता है? हम जैसे स्टूडेंट्स मर रहे होते हैं, चाहे वो JNU हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो DU हो, चाहे वो AMU हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो छोटा सा घर हो, कोई भी जगह हो इंडिया के अंदर, मर हम जैसे आम इंसान रहे होते हैं। और केवल केवल वो जो लोग ऊपर जो बैठे होते हैं, जो जिनका काम होता है केवल कि हाँ ऐसा ना यार ये गलत कर रहे हैं, और हम जो है बिना सोचे समझे हम जो है उनकी बातों में भरोसा कर लेते हैं, और फिर हम उसी एक चीज़ के पीछे हम भागने लगते हैं कि ये जो है ना ये गलत हो रहा है। हम अपना दिमाग नहीं लगाते, हम अपना प्रोस्पेक्टिव नहीं लगाते हैं कि एग्जैक्टली चीज़ क्या सही है, क्या चीज़ गलत है, और हम उन चीज़ों को हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई चीज़ अगर इतनी छोटी होनी होती है तो वो इतनी बड़ी हो जाती है। केवल केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़, कोई मैसेज या फिर कोई वीडियो, कुछ भी अगर आप स्टेटस पे लगा रहे हो अपने, आई नो वो आपकी प्राइवेट चीज़ है, आप लगा सकते हो, ये हमें हमारे पास में फ्रीडम होती है, क्यों हम एक डेमोक्रेटिक हम एक कंट्री में है, सेकुलर कंट्री में, आई डोंट नो अभी सेकुलर है या नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम एक सेकुलर कंट्री में है। आज का टाइम ऐसा हो गया है कि पिछले एक महीने के अंदर अंदर की सही बताऊं तो, जो मैंने एक कहीं पोस्ट पढ़ी थी कि एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, दोनों दोस्त थे, अब नहीं रहे। एक कंट्री थी इंडिया, सेकुलर थी, डेमोक्रेटिक थी, पीसफुली चल रही थी, बट अब नहीं रही। क्या हम ऐसा ही चाहते हैं इंडिया अपना? क्या हम ऐसा ही देश चाहते हैं अपना कि ऐसे ही ये सारी चीज़ें होती रहें? आई नो मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोग मुझसे कमेंट करके बोल सकते हो कि भाई तू वीडियो बना रहा है बैठ के, तू सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहा है? बट जो चीज़ मेरे हाथ में, जितना मैं कर सकता हूँ एज ए इंडिविजुअल, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो मेरी, अगर ये वीडियो देखने के बाद में अगर लेट सपोज अगर 100 लोगों ने भी अगर वीडियो देखी, 100 में से अगर 2 लोग भी अगर इस वीडियो को सुन करके अगर समझे होंगे, तो मेरा वीडियो बनाना, मेरी मेहनत करना मेरा हो गया, मेरा पैसा वसूल हो गया, मेरा टाइम वसूल हो गया, सारी चीज़ें होंगी। प्लीज़ कुछ भी स्प्रेड करने से पहले या फिर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, किसी के अगेंस्ट या फिर किसी के साथ में अगर आपको कोई माइंडसेट बनाने से पहले थोड़ा सा एक बार सोच लेना चाहिए। सीरियसली बता रहा हूँ, ये तो ऐसे ही देश डूब जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है टाइम कि इराक और सीरिया जैसा टाइम हो जाएगा। और रही बात CAB और NRC पे, मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने फ़ोन करके बोला कि भाई तू वीडियो बनाता है अपने लिए, बट तूने CAB और NRC के ऊपर तूने कोई वीडियो नहीं बनाई। वो मैंने केवल इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, सीरियसली बताओ, और ना सीरियस नोट, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि हाँ जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मुझे पता है, बट जो डिटेल्ड कंटेंट है वो मुझे नहीं पता है। आई नो क्यों मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, कल मेरा एग्जाम है 9:00 बजे, अभी टाइम हो रहा है 8:10 हो रहे हैं अभी, और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं एडिट करूँगा, उसके बाद मैं अपलोड करूँगा और फिर पढ़ूँगा बैठ के। CAP NRC दोनों में से कुछ भी लागू नहीं हुआ है अभी, ठीक है। एंड मैं बस यही चाहता हूँ, एक आखिरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। CAB NRC या फिर जो भी दंगे हो रहे हैं इस टाइम पे, पता है जब अयोध्या वाला जब मामला जब सुलटा था ना, अयोध्या वाले जब मामले की जब वहाँ पर वो आई थी, क्या नाम है, रिपोर्ट आई थी, सॉरी ऑर्डर आया था कि कहाँ पे मस्जिद बनेगी, कितने में मंदिर बनेगा, क्या बनेगा, कंडीशन ये थी, वो एक प्रॉपर था हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन का, ठीक है, वो एक मामला था जहाँ पर दंगे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। एंड वो ऑर्डर आने के बाद में जब कोई दंगे नहीं हुए कुछ नहीं, तो तब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो आम आदमी है, जो हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं हमारे, जो भी हमारे भाई बहन हैं, कोई दंगे नहीं चाहता है। तो आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये दंगे करवा रही हैं, कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से हो रहा है, थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ है। एक बार अपने हिसाब से सोच के देखना।
बाकी आप लोग अपनी अपनी राय एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं ये जेएनयू का जो स्पेशली जो हुआ है, जेएनयू के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। मैं यहाँ पर कोई बहस करने वाला नहीं आया ना कुछ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैं बता रहा था। सो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, एंड इफ यू एंजॉयड इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड एवरीवन। मेरी कोई और वीडियो आप लोग शेयर करो ना करो, बट प्लीज़ ये वाली वीडियो शेयर करो, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ कुछ मैसेज देने की ट्राई किया है। आई डोंट नो आप लोगों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, बट आई होप आप लोगों तक पहुंचा हो एंड आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा समझाने में सफल हुआ हूँ। सो या थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड इफ यू एंजॉयड इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल Till then, bye bye. Take care. Find somebody who loves you, somebody who needs you, somebody who trusts you, takes care of you.